वाह यार ये ऐसी लाइफ भी होनी थी, क्रिकेटरों से मिलना है। लाइक 10 years ago, इधर वो बिल्डिंग देख रहे हैं, हर बिल्डिंग में CV डाला है। सोचा था लाइफ बस अब यही है, बट यार अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए यार, अल्लाह कहाँ से रास्ता निकालता है। भाई दुबई का एक रूल है, जहाँ अंग्रेज और लबनानी खाना खाने आए ना, कटो, महंगी होगी जगह। जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय व्लॉग, और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल कमेंट्स एंड फीडबैक। आपको कल मैंने बताया था मैं नए होटल में आ गया हूँ, यहाँ की वाइब कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, और आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि बांग्ला टाइगर्स के प्लेयर्स हैव स्टार्टेड टू कम, आज से आना शुरू हो जाएंगे। आज इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेविड मिलर के साथ मुलाकात है। बल्ली बल्ली भाई, उनको वेलकम नोट देना है और कुछ शूट्स भी करनी है क्योंकि 4 दिन बाद शुरू हो रहा है बांग्ला T10, तो उसके रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करने जा रहे हैं। वेलकम नोट ये वो, सूट पहन के हाय आई एम जुनेद, ये वो सारी मस्तियाँ करनी है, लेकिन उसके लिए अपने आप को थोड़ा सीधा करना है। ऑर्डर ऑफ द डे, अभी जाके शेव शूव कराते हैं, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर जाके देखते हैं कि काम क्या चल रहा है और फिर आपको अपडेट देते हैं। हाँ जी, आई मीन अलकूज, और ये यूनियन कोर्ट की पार्किंग लॉट है जहाँ पे तलाबत और वो आई थिंक डिलीवरू है, राइडर्स हैं छाँव में बैठ के वेट कर रहे हैं कोई ऑर्डर लगे तो फौरन जाके वो ऑर्डर पिक करें। भाई आसान नहीं है परदेशों में काम करना, लेकिन चीते वो देखो सारे चीते जा रहे हैं, राइडर्स बहुत हैं यहाँ पे यार। भाई इस चक्कर में कि नाई और खाने की जगह एक ही जगह मिले और मेरा वक्त बचे, मैंने घंटा लगा दिया इस तरह की जगह ढूंढने में। खैर मिल गई, शेव शुरू हो गई है, अभी हम मलाबार रेस्टोरेंट जा रहे हैं। आई थिंक वहाँ नमाज पढ़ ओपन ओपन है, पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ नो हाँ नो, खैर सामने बैरूत ही है, वो खा लेते हैं। सया भाई ये अजीब मेरी लॉजिकें होती हैं, लॉजिकें ये बचा लो वो बचा लो, इतना ज़्यादा सा बेरूती से कुछ शवरमा शवरमा खाते हैं, फिर जाते हैं डेविड मिलर से मिलते हैं। वाह यार ये ऐसी लाइफ भी होनी थी, क्रिकेटरों से मिलना है, सोचा नहीं था यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक 10 years ago, इधर वो बिल्डिंग देख रहे हैं, हर बिल्डिंग में CV डाला है। सोचा था लाइफ बस अब यही है, बट यार अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए यार, अल्लाह कहाँ से रास्ता निकालता है। सुभान अल्लाह यार, बाहर इंडस्ट्रियल एरिया था इधर की, तो भाई भी फुल टाइम अमीरों वाली है। भाई दुबई का एक रूल है, जहाँ अंग्रेज और लबनानी खाना खाने आए ना, कटो, महंगी होगी जगह। देखो अंग्रेज का अंग्रेज आ जाना है भाई, इतना मज़े का कि दूसरा ही मंगवा लिया, आलू पैदू जरूर ट्राई करें। भाई क्या धांसू शवरमा था यार, देखो किस्मत में जब कुछ होना होता ना तो ऐसे काम कराता है। मैं शेव करवाने से पहले वो मलबारी रेस्टोरेंट गया, उससे बोला नमाज ब्रेक है, मतलब कोई मसला नहीं। शेव कराई 40-45 मिनट लगे, फिर आया, फिर उससे बोला नहीं खुला हुआ, मैं कहा चलो ठीक है, गॉड डिडंट वांट मी टू हैव दैट। ये खाना था भाई यार बहुत मजे की। खैर भाई ये हो गया, अभी जाते हैं बैक टू होटल और देखते हैं क्या एक्शन है, तैयार शेयर होना है, वीडियोज बनानी तो वहाँ से कनेक्ट करते हैं। भाई ये पहले वाले भाई हैं, इन्होंने पहचान लिया था तो उन्होंने रिक्वेस्ट की गाड़ी रोकी, तो अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप, क्या आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मसला तो नहीं? नहीं नहीं। आसिफ भाई किधर से हो आप? कराची से। कराची से, क्या बात है। कराची में किधर से हो आप? पुलिस हेड क्वार्टर। पुलिस हेड, मैं वहाँ रहता था, रामस्वामी। जी जी जी, मैं वो स्कूल वाले रोड पे रहता था। अरे आप तो पड़ोसी है यार, बड़ी खुशी हुई आपसे। आपसे भी बहुत खुशी। यार चलते फिरते सड़क पे इतनी मोहब्बत मिलती है, इतना प्यार मिलता है, यही चीज जो है मुझे फ्लोट करके रखती है, वरना ऑब्वियसली नेगेटिव कमेंट्स इनबॉक्स आते हैं, दे वेर यू डाउन समटाइम्स, लेकिन अगर डेटा की तरफ देखा जाए तो भाई 100% पॉजिटिव फीडबैक जब भी सड़क पे निकलो, वो क्या वैले वाला क्या CEO, सब उतने ही खलूस और उतने ही प्यार से मिलते हैं यार। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है यार, मतलब वरना इस काबिल नहीं थे भाई, और बस यही प्यार है जो लेके चलता रहता है यार, और आपका प्यार है इसलिए आपसे रोज़ बातें करते हैं। भाई ईमान से बताओ, खुशी नहीं होती जब कपड़े धोने के लिए पैंट में जेबें टटोलो तो पैसे निकलते हैं, या कोई कोट फलाने की शादी में पहना हूँ और फिर उसके बाद अलमारी में लटका दी, और 6 महीने बाद जब जेब में हाथ डाला तो हज़ारों के नोट, मज़ा आता है ना। यही वाली एक खुशी, बोनस खुशी मुझे आज मिली। मैं अभी जब जा रहा था खाना खाने तो मैनेजमेंट से फ़ोन आया कि सर आप किधर हैं, तो मैंने मैं ज़रा बाहर निकला, तो बोला वो आपको पेमेंट करनी है। अब
मेरे जहन में था, देखें ऑब्वियसली मैं यहाँ आया हूँ, मेरा उनके साथ एक अग्रीमेंट है, एक सेट अमाउंट है, परसेंटेजेस में मिली, तो मैं समझा वो आज पहली किस्त उन्होंने मुझे देनी है। तो मैं जब आया तो मैंने उनको बुला लिया, गयास भाई होते, तो उन्होंने जो मुझे अमाउंट दी वो किसी भी हिसाब से परसेंटेज में बैठती रही थी। मतलब ये क्या है, किस हिसाब से है ये, ना ये 10% है ना ये 25% है, ये क्या है? तो कह रहे नहीं 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 नहीं, जो अमाउंट आपको देनी है वो तो देंगे, ये ICC का रूल है कि जो भी टीम का प्लेयर है या मैनेजमेंट है उसको डेली का $50 मिलेगा भाई। तो ये 4 दिन के ये मुझे 50x4 पकड़ा के चले गए, क्या बात है भाई, वाह भाई, बोनस जहाँ भी मिले मज़ा ही मज़ा आ जाता है। तो मैं तो हूँ अब 10-15-14 दिन, तो यहाँ तो डेली का $50 तो अच्छी रकम बन जाएगी इंशाल्लाह। खली वल्ली इससे लेंगे हम आपके लिए गिफ्ट्स, ऑब्वियसली खाली हाथ थोड़ी आऊँगा यार, अपनी ऑडियंस के लिए भी कुछ लेकर आऊँगा। सो मज़ा आता है यार जब इस तरह के बोनस मिलते हैं ज़िंदगी में। आप बताएं ज़रा कमेंट में, आखिरी बार आपने अब्बू की जेब, या अब्बू की जेब नहीं, अपना ही कोट वोट पुराना पहना हो तो जेब से कितने पैसे निकले थे। हाँ जी, आज डे लाइट की फुटेज बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे पैर में तकलीफ़ है और आज तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, हालांकि 10-12 दिन हो गए, स्वेलिंग जा नहीं रही, मेडिकेट कर रहा हूँ, क्रीम लगा रहा हूँ, बैंडेज पहन रहा हूँ, अभी भी बैंडेज पहना हुआ है, वो जो होता है ना एंकल ब्रेस, इट्स अनोइंग नाउ। तो खैर, टीम ने जो है सेटअप किया है पॉडकास्ट का, क्योंकि आई विल बी डूइंग सम पॉडकास्ट विद सम प्लेयर्स, वो कौन होंगे मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं वो सेटअप चेक करने जा रहा हूं, तो आइए मेरे साथ चल के सेटअप चेक करते हैं। प्लेयर्स आना शुरू हो गए हैं एंड रोहन मुस्तफ़ा फ्रॉम UAE इज़ हियर। अबे मैं घुस दरवाजे में घुस जाऊँ, शॉट ख़राब कर दिया, शॉट तो नहीं ख़राब हुआ, सो सॉरी दैट्स द बॉस ज़फ़र The owner of IPL. Nah, IPL. Just joking. IPL. Bangla Tigers ke. CEO, are you the CEO of Bangla Tigers? CEO, mashallah, mashallah. So yes, that's the action. Shantanu, kya hal hai bro? Let's go check the setup. Yeah. Haan. Dekho, teesri baar inki hai. Aap log jo dekhte ho na, वन शॉट में नहीं होता, बार बार करवाना पड़ता है काम। अब देखो ट्रैवल करके आए, बट भाई आते ही काम होना शुरू, सो इस तरह चलता है। जो आप PCB का भी देखते हो, इंडियन क्रिकेट का भी देखते हो, इसी तरह शूट होता है। प्लेयर्स आर माशाल्लाह वेरी कोऑपरेटिव। अच्छा जी, ये मीटिंग रूम में हमने यहाँ पे सेटअप लगाया है, टीम ने ज़बरदस्त किस्म की, यार ये किट मैं लेके जाऊँगा भाई, वो मेरे फैंस के लिए है किट्स। हाँ नहीं है क्या यार, ज़फ़िर भाई को बोलता हूँ यार, मेरे पास बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। तो ये पूरा सेटअप है, हम पॉडकास्ट इधर कर रहे हैं, नहीं पॉडकास्ट अबू धाबी कर रहे हैं, यहाँ पे हम फोटोज कर रहे हैं, फोटोज वगैरह कर रहे हैं, ज़बरदस्त कंटेंट करेंगे सही है, ज़बरदस्त। तो भाई यहाँ पे ये लाइट पे ये वाले सीन होते हैं। सो मतीउल्लाह आ गए हैं, कार्लोस ब्रेथवेट आ रहे हैं रात में, और मिलर कब आ रहा है? 27 को भाई मिलर से मिलना है। खली वल्ली ये क्या है, पैड्स हैं? हाँ। नाइस यार भाई, पैर का दर्द सीधा नहीं हो रहा, तो मैंने फिजियो मंगा लिया है। बिल्कुल स्टिफ हो गया पाँव काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा, यहाँ से मुड़ रहा नहीं है। हाँ तो वो इतना सूजा हुआ है कैसे मुड़ेगा? नहीं नहीं थोड़ा सा, क्योंकि अब डेली मसाज और उसकी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन करनी पड़ती है ना, चल 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 के उसकी वजह से जो है स्टिफ हो गया। यार टीम का फिजियो आ रहा है कल, मैंने उसको दिखा रहे हैं, मैं बस उसी का ही वेट कर रहा हूँ। वो तो हैवी एथलीट्स का फिजियो, वो तो हाथ लगाएगा गालियाँ देगा कोई वर्कआउट क्यों नहीं है ज़िंदगी में। हाँ जी, बंगला टाइगर्स की जर्सी मिल गई है, इसको इस जर्सी का कोई ख़ास नाम लिया था उसने, आई मीन वन ऑफ द जो प्लेइंग नहीं होती ट्रैवल, हाँ ट्रैवल जर्सी, फाद इज़ हेयर, और कार्लोस ब्रेथवेट का हम वेट कर रहे हैं, 8 बजे उन्होंने पहुंचना है, तो जब तक वो पहुंचेंगे हम करीब से जल्दी से मल्लू की स्पेशल चाय पी कर आ जाए, क्योंकि भाई रंड चाय पार्सल, जब तक वो चाय अंदर नहीं जाती ना भाई मीटर नहीं घूम होता, और आज चाय नहीं पी, पूरा दिन हो गया देख लो, अंधेरा हो रहा है, इशा का टाइम होने वाला है। ये अलखैल रोड जा रहा है या शेख जैद? अलखैल रोड है ये, दिस इज अलखैल रोड। अच्छी, अरे इसी से तो एग्जिट करता हूँ मैं। तो भाई वो सामने जूम की दुकान है, पुरान माल दिख रहा है, उधर से चाय पीते हैं भाई,
नून वाले भी आ गए अपनी डिलीवरी उठाने, डिलीवरी बॉयज का बहुत सीन है यार। हाँ ये अपना पाकिस्तानी भाई होगा 100%, ये जो इसने शॉर्टकट मारा है ना 100% अपना ही होगा। अच्छा मैं हमेशा कहता हूँ यार पेट्रोल पंप का जो है ना लुक एंड फील ये नहीं होनी चाहिए कि बस पेट्रोल भराओ निकलो, एक पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे चाय भी मिल जाएगी, आयल चेंज भी हो रहा है इधर, आयल आयल मोबाइल आयल, और फास्ट फूड भी मिल रहा है, समझ रहे, पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए। मगर हमारा लैंड इतना महंगा है कराची में ख़ास तौर पर, इतना बड़ा पम्प है ही नहीं कोई, और ये नॉर्मल पम्प है यहाँ का, इट्स नॉट इवन द बिगेस्ट। हाँ रिलैक्सिंग ना कि बंदा गाड़ी खड़ी करके आराम से उतर के कुछ ले सके सामान वामान। इवन की फार्मेसी, फार्मेसी भी है, कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छी लिविंग का कॉन्सेप्ट नहीं हमारे। पूरनमल पे चाय पिए कहाँ पिए, नहीं भाई कसरल जबल भाई मल्लू प्रोमैक्स, चाय तो इसी की होगी। अच्छा आई एम प्रीटी श्योर आप अब तक समझ गए होंगे कहाँ ठहरे हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल आ जाएँ होटल की लॉबी में बैठ जाएँ, गलत बात हो जाएगी जब तक इन्वाइट ना किया जाए। और ये तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा कि प्लेयर प्लेयर से मुलाकात होगी, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। रैंडमली ख्याल आया कि जाहिर है बहुत से लोग देख रहे हैं, आना भी चाह रहे होंगे, मिलना भी चाह रहे होंगे, प्लेयर से भी मिलना चाह रहे होंगे, तो कोई कॉन्टेस्ट होना चाहिए। तो क्या कॉन्टेस्ट लगाएं, फनीस्ट कॉमेंट का लगाएं जो सबसे अच्छा कॉमेंट करेगा, या कोई क्विज करे या क्या करे? नो फनीस्ट कॉमेंट पर तहजीब के दायरे में हो, ये ना गंदे गंदे फनीस्ट कॉमेंट आ गए, ये भी है। मगर अब इसकी क्या गारंटी है कि जो फनीस्ट कॉमेंट आ रहा है वो कहीं और से आ रहा है, दुबई से आया है? नो बट देन दे कैन जज, उस कॉमेंट के अंदर जितने लाइक्स होंगे ना ही विल बी द विनर। हाँ बट अगर विनर सरगोधा बैठा है फिर टिकट थोड़ी दूंगा उसको आने का, यहाँ का बंदा होना चाहिए ना। तो चलो उस पर विचार करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, लेकिन करते हैं, मिलवाते हैं आपको। मगर ये कि और यार कुछ लोगों को ना टिकट्स भी देते हैं, मैच के टिकट्स भी करता हूँ मैं, और बोलो अभी अबू धाबी वालों के लिए मुझे अभी तक टिकट नहीं मिला। हाँ इसको नहीं मिला अली वली, अबू धाबी वालों को या दुबई वालों को भी गाड़ी चला के आने आने अली वली को प्रॉब्लम। तो ये सोचते हैं ये क्या मेथड लगाना चाहिए, अभी इधर अच्छा है मिले। अच्छा देखें यहाँ पे जो ऑयल चेंज है इट्स रियली इतना ख्याल किया जाता है कि आपको एक बूंद भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फाइन लगता है, अगर यहाँ पे तेल गिरता भी तो सर्टन केमिकल्स के से उस ऑयल को साफ़ किया जाता है। सो आप जो है ये ऑयल चेंज की जगह ऑयल चेंज हो रहा है, ऑयल ही नहीं दिख रहा, ऑयल नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ का मालिक होगा उसको बहुत बड़ा फाइन लगेगा कि ऑयल, क्योंकि हैज़र्ड है ये, कुछ भी हो सकता है। इवन के रेस्टोरेंट का जो ऑयल होता है दे कैन नॉट डंप इन द गार्बेज, कंपनी आएगी वो लेके जाएगी, वो टैंकर होता है वहाँ पे जितना भी फ्राइंग ऑयल होता है वहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो कार्डबोर्ड भी सेपरेट किए जाते हैं, दूसरा जो वेस्ट जनरल वेस्ट होता है वो भी सेपरेट किया जाता है। हाँ वो तो देखा है। सो गाइस जॉर्डन कॉक्स इज हियर भाई, वो टिकटॉक वाली एंट्री चाहिए होती है जरा, वो एंट्री दोबारा लीजिए। So hunting season is continued as one of Bangla Tiger's most famous star Jordan Cox has. ग्रेट गाय, लाहौर कलंदर में खेलता रहा यार। मैंने लाहौर कलंदर के सवाल मैंने भी ज़रा अवॉइड किए क्योंकि अब जाहिर जिसके लिए आए हैं वो उसकी बात करेंगे, आगे चलिंग चलती रहेगी। अभी आते ही बंदा भी सफ़र से आया, अभी जहाज से उतरा है, मैं पकड़ लूँ जी लाहौर कलंदर वाला टाइम बताएं, और होबार्ट भी खेले हैं ये, और श्रीलंका लीग में क्या हुआ करेंगे, आराम से करेंगे, बेचारा थका हुआ visibly thaka wala, but he straight come to you straight, he recognize you or something yaar bhai ki vibe, usko laga ki league ka malik khada hai। Alright guys, so Carlos Brathwaite और Dominic Drake Barbados से सीधा पहुँच गए हैं दुबई, और अभी इनको चेक इन वेक इन कराते हैं। लंबी फ्लाइट्स हैं भैया, कोई 10-12-14 घंटे की उनकी लंदन, लंदन से 7 घंटे यहाँ थके हुए हैं, तो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। अबे हाइट तो चेक करो अबे भाई, छत कोई लग रहा है भाई जल्दी। भाई मैं ये सोच के बावला हो रहा हूँ, डोमिनिक तो बड़ा वाला बैग लाया,
अभी वो एक बैग लाया छोटा सा, 14 दिन गुजारना है बेटा, सारी शॉपिंग इधर ही कर। Remember the name because Carlos Brathwaite is here with us in Dubai. So we're the Tigers and Tigers are always hunting. So I'm sure you know about three magical words. Let's go hunt. Yeah.